राधे 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 राधे। आज हम जो है विपरीत राजयोग के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित, विपरीत राजयोग की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जो है विपरीत राजयोग क्या होता है इसे समझना है। तो कुंडली में सर्वाधिक अशुभ भाव 6, 8, 12 को माना गया है। इन भावों के स्वामी जिस किसी भाव में बैठते हैं, जिस किसी भाव से संगत करते हैं, उन भाव और उन ग्रहों को जो है हानि पहुंचाते हैं। अर्थात यह जो है हानिकारक भाव यदि शुभ फल देने वाले हो जाए तो उसी को जो है विपरीत राजयोग कहते हैं। तो ये विपरीत राजयोग बनता कैसे है इसे समझना है कि वह भाव इतना पीड़ित हो जाए कि वह अपने जो है तात्कालिक फल को, भावजन्य जो फल है उसको देने में ग्रह सामर्थ्य ना हो, अर्थात जो है शुभ फल दे, नैसर्गिक शुभ फल दे। कई बार जो है कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, लोग कहते हैं ऐसा कैसे होगा, तो इसको समझने की आवश्यकता है। दो ऋणात्मक शक्ति अगर आपस में मिलती हैं तो वह निश्चित जो है एक ऊर्जा को जन्म देती हैं और वह ऊर्जा जो है विस्फोट करती है। इसी तरह से दो अशुभ ग्रहों की युति अशुभ भावों में ही अगर हो तो वह जो है शुभता को जन्म देगी और शुभ फल की प्राप्ति होगी, ऋण ऋण बराबर प्लस हो जाता है। तो इसी सिद्धांत के अनुसार यह जो है राजयोग बनता है, लेकिन यह अल्पकाल के लिए बनता है। जब संबंधित ग्रह की दशा और उसकी अंतरदशा होती है उसी काल में जो है ये प्राप्त होता है, लेकिन ये बहुत श्रेष्ठ और अत्यधिक जो है फलदायी होता है। शास्त्र में भी कहा है रंध्रेशो ब्रह षष्टगो रिपुपतो रंध्रे व्ययेत स्थिते रिहेशोपि तथैव रंध्र रिपुभे यस्यास्ति तस्मिन् बदेत अन्योन्यर्च गता निरीक्षण युतास चान्नैर युक्तेक्षिता जातोसौ न पति प्रशस्त विभवो राजाधिराजेश्वरः। अर्थात राजयोग नहीं बल्कि राजाधिराज योग भी इसे कहें तो वह भी कम नहीं। यह बनता कैसे है तो कह रहे हैं कि रंध्रेशो बैषष्टगो, रंध्र भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी यदि व्यय भाव में हो, छठे भाव में हो, या रिपु भाव का स्वामी रंध्र भाव में हो, अर्थात हम ये मान सकते हैं कि ये परस्पर एक दूसरे के भाव में स्थित हो या एक साथ ही इन तीनों भावों में से किसी भाव में स्थित हो, तीनों या दो ग्रहों की युति हो इन भावाधिपतियों की, या इच्छिते या परस्पर दृष्टि संबंध हो, लेकिन इन्हीं का आपस में संबंध हो, इन्हीं की युति हो, इन्हीं का राशि परिवर्तन योग हो, तब यह योग प्राप्त होता है। किसी अन्य ग्रह का अगर संबंध होगा, शुभ ग्रह का संबंध होगा, तो यह योग कमजोर होगा, बल्कि उस शुभ ग्रह के भाव की हानि हो जाएगी। अतः जब इन ग्रहों का संबंध त्रिक भावों में होगा, त्रिक स्थानों में होगा, तो यह योग जो है प्राप्त होगा। बस इतनी छोटी सी बात है कि कोई अशुभकारी ग्रह
इतना पीड़ित हो जाए कि अपने जो है तात्कालिक फल अर्थात जिस भाव का अधिपति है उस भाव के आधिपत्य का फल देने में वह सक्षम ना हो, अपना जो है शुभ फल प्रदान करे, तो निश्चित जो है वह ग्रह राजयोग प्रद होता है। बस इसी सिद्धांत के अनुसार यह राजयोग बनेगा। इसे आप लोग, मैं आशा करता हूं कि सब समझ गए होंगे और इससे सबको आपको लाभ होगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।